हूँ शांतिबेन थी आऊँ छूँ। मारू नाम शीतल नीरव शाह है। के शनिवार हूँ दर्शन करवा आऊँ छूँ श्रद्धा थी, पण छे मने मगज थी शांति पड़ी है। छेल्ला 20 वर्ष थी आऊँ छूँ अने शांति मळे छे मगजने। एम थाय के ना आऊँ दर शनिवार। हम अभी अहमदाबाद के दुधेश्वर स्थित शनिदेव मंदिर में हैं। इस शनिदेव मंदिर के लिए कहा जाता है लगभग 150 से पौने 200 साल पुराना ये मंदिर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शनिदेव जी की जो प्रतिमा है, और लोग बड़े भावपूर्ण से यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए जो मान्यता है वो मानते हैं और पूजा विधि जो है वो यहाँ करते हैं। हमारे साथ जो यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी जो हैं वो हैं, हम उनसे बात करेंगे रंजीत भार्गव जी से। अब भार्गव साहब, खास करके आप यहाँ कई सालों से हैं और आपकी पुश्तैनी ये मंदिर है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो कैसे ये मंदिर की स्थापना हुई और फिर कैसे कैसे यहाँ लोगों ने चमत्कार देखे शनि? ये काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है। ये हमारे चौथी पीढ़ी है। हम दादा परदादा और हम लोग काफ़ी वर्षों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं, और इस मंदिर में हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आता है वो सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारे पिता श्री के दादा श्री का बनाया हुआ मंदिर है। इनके खास जजमान थे, उन्होंने ये मंदिर बना के दिया था। उनकी कुछ मनोकामना पूर्ण हुई थी, उस उपलक्ष्य में ये मंदिर बनाया था, जिस वजह से आज का करीब पौने 200 साल से ऊपर हो गए और ये मंदिर उसी तरह चलता आ रहा है। और आज काफ़ी शनिवार के दिन इधर काफ़ी भीड़ होती है, और साल में 2-3 अमावस्या, जैसे कि शनिवार की अमावस्या आती है उस दिन महायज्ञ होता है, और शनि जयंती के दिन काफ़ी बड़ा आयोजन किया जाता है। जो अभी 30 तारीख सोमवार के दिन 30/5/2022 सोमवार के दिन महायज्ञ होगा और महाप्रसादी होगी, जो शनि जयंती महायज्ञ रखा जाएगा। खास करके लोग यहाँ भारी मात्रा में आते हैं। लोगों को कैसे कैसे यहाँ चमत्कार हुए हैं, कैसा कैसा अनुभव हुआ है आपको? काफ़ी लोगों को जिस तरह से जिनकी मनोकामना हुई उस तरह से उनके चमत्कार हुए। जैसे किसी को संतान प्राप्ति की तकलीफ थी तो उसे संतान प्राप्ति हुई, किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो उनको बिजनेस प्रॉब्लम है, किसी को ब्याह शादी में प्रॉब्लम तो उनको भी ब्याह शादी में प्रॉब्लम है, किसी को डॉक्टर संबंधी तकलीफें थी, कोई बीमार हो रहा है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, इस तरह की काफ़ी बीमारियाँ जो लाइलाज होती है, काफ़ी वर्षों तक उनकी दवाइयाँ चलती है। और यहाँ पर शनिमहाराज की इच्छा से और भगवान मनुष्य की इच्छा से जो भी इन पे यहाँ पे तेल अभिषेक करता है और दान पुण्य करता है शनि महाराज के मंदिर में आके, उनकी मनोकामना शनि महाराज पूर्ण करते हैं। खास करके अगर भगवान को चढ़ावे की बात आती है तो क्या जो भक्त हैं लोग, आप इनको चढ़ाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और क्या चीज़ चढ़ाते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? क्या खास करके उनको चढ़ावा है? शनि महाराज को प्रिय है ना तेल है, जैसे तिल का तेल है और अनाज, कोई भी तेल है वो चढ़ा सकते हो। जैसे तिल उड़द इनके प्रिय है, जो आप चढ़ाते हो तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और शनि महाराज आप पे दया दृष्टि बनाए रखते हैं। लोगों के लिए ऐसा कोई खास उपाय है कि किसी खास दिन लोग पूजा विधि करें तो उनको फ़ायदा होगा? कैसे क्या करें कि उनकी जो आदि व्याधि हो दूर हो? अमावस्या के दिन खास शनिदेव मंदिर में जाकर आप दर्शन कीजिए, उधर तेल चढ़ाइए, हो सके तो छाया दान कीजिए। छाया दान आप जाओगे मंदिर में तो मंदिर के पुजारी को आप कहोगे कि छाया दान कराना है तो वो आपको छाया दान करवा देंगे। लगभग हर मंदिरों में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। और ख़ास करके अमावस्या के दिन शनि महाराज का नाम लेके पीपल के वृक्ष पे आप दिया कीजिए और जल चढ़ाइए, उससे आपकी मनोकामना संपूर्ण होगी। अब ये थे यहाँ के मंदिर के पुजारी जिन्होंने अवश्य तौर पर ये बताया कि शनिदेव है, कोई बहुत ज़्यादा उनको तैयारियों या उनके चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य तेल और निश्चित दिनों पर अगर पूजा की जाए तो इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन मुकेश परी के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। एडवांस ટેક્સ ચૂકવી કરીશું બચત અને વેગવંતુ બનાવીશું આપણું અમદાવાદ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લઈને આવ્યું છે કરવેરામાં રિબેટ મેળવવાનો ઉત્તમ અવસર। 2021-22 સુધીનો સંપૂર્ણ ટેક્સ એટલે કે ટેક્સ, સેસ, વેરા, રેન્ટ, વ્યાજ વગેરે ભરી જે કરદાતાઓએ ટેક્સ નીલ કરેલ હોય તેવા કરદાતાઓને એએમસી દ્વારા તારીખ 22 એપ્રિલ 2022થી 21 મે 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 10% રિબેટ 22 મે 2022થી 21મી જૂન 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 9% રિબેટ બાવીસમી જૂન 2022 થી 21મી જુલાઈ 2022 ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 8% રિબેટ તેમજ ઓનલાઈન ટેક્સ ભરનારા કરદાતાઓને વધુ 1% રિબેટ આપવામાં આવશે। तो चालो एडवांस टैक्स चूकवीने हेरिटेज सीटी अमदावाद ने हाईटेक सीटी बनावामां आपीए आपणुं पण योगदान। अमदावादीओनी बचत साथे अमदावादनो विकास एज एएमसी नो प्रयास।